Hey unicorns, welcome back to my channel. So today I'm getting yellow chemical peel. Let's see ki kaisa rehta hai. Mujhe ye process shoot karna tha because I want you guys ki dekho results. So let's see kaisa rehta hai. This is how my skin looks like right now. Whiteheads. So we are gonna work on that. Main process bataungi kaisa rehta hai, how to take care of your skin. एंड ऑलमोस्ट मुझे 5 to 6 डेज मुझे मेकअप नहीं लगाना है. तो इट्स अ नाइस वेकेशन फॉर मी एंड मेरी स्किन को भी अच्छा ब्रीथ मिलेगा. सो लेट्स सी, अभी आई एम वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू कम एंड चेक. एंड ऑल्सो आई एम एट द मेटाफोसिस क्लिनिक. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट देयर इंस्टाग्राम. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो अहेड एंड चेक. एंड लेट्स गो. सो अभी उन्होंने पूरा क्लीनअप किया है एंड वैसलीन लगाया है जहाँ जहाँ पे सेंसिटिव है तो वहाँ पे लगा के अभी थोड़ी देर में वो लोग पील लगाएंगे. ओके, सो पील लगा लिया है एंड अभी मुझे 6 आवर्स तक रखना है इसको. लाइक 7 बजे मैं ये निकालूंगी. एंड या प्रीटी मच मुझे जला नहीं इतना, पता नहीं क्यों नहीं जला. और मुझे वर्कआउट करने में मजा आ गया. तो लेट्स गो होम एंड चिल फॉर अ वाइल. फिर मैं जस्ट फेस वॉश कर लूँगी, पानी से धोना है मुँह एंड देन अगेन मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन. दिस इज माय ओनली रूटीन. तो लेट्स गो. हे गाइस, आई एम बैक होम. कुछ घंटे के लिए रखना था वो मास्क एंड देन बाद में पानी से ही धोना था मुँह, तो मैंने कर दिया है एंड बाद में मैंने मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन लगा दी हूँ. तो मुझे यहाँ बहुत जलन हो रही है ये एरिया में बहुत ज्यादा. तो डॉक्टर ने बोला इट्स नॉर्मल, ये तो होगा इरिटेशन. तो पर एनीवेज मेरा स्किन काफी लाल लग रहा है, रेडनेस काफी हो गई यहाँ पे. पर ये जो मेरे व्हाइट हेड बम्स थे वो बैठ चुके हैं. अभी बाकी का अपडेट मैं कर दूंगी. डॉक्टर ने मुझे बोला है कि सनस्क्रीन मुझे हर 2 घंटे में लगानी है. तो मैंने 7 बजे लगाया था तो अभी 2 घंटे के बाद फिर वापस सनस्क्रीन लगाऊंगी क्योंकि सनस्क्रीन लगाना जरूरी है. एंड सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं, मतलब मना, मतलब मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, मैं जिम भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से मुझे और इचीनेस होगी और इरिटेशन होगी. तो चुप कर. एनी विच वेज अनी तो बेस्ट है. बोल कि नूनो का यूट्यूब में तो क्या हो गया, हम अपने तो आवाज करेंगे. मैं मेकअप भी नहीं लगा सकती हूँ, मुझे बहुत सैड फील हो रहा है. बट यस, आई नीडेड दिस ब्रेक फॉर माई स्किन. मेरा ये भी कम हुआ, ये स्पॉट, ये जो मेरा सनबर्न एक्चुअली मुझे हुआ था. तो सी यू गाइस टुमारो, बाय. गुड मॉर्निंग पीपल. सो इज द डे 1 आफ्टर द पील. तो कल पील हुआ था एंड कल मैंने कुछ घंटों के लिए रखा था, एज यू गाइस नो. एंड अभी सुबह हो चुकी है. आज मैंने यूज किया फेस वॉश एंड आई एम यूजिंग दिस जेंटल क्लेंजर फ्रॉम सीटाफिल. वो किया एंड फिर मैंने मॉइस्चराइज किया जो मुझे मॉइस्चराइजर रिकमेंड किया है एंड सनस्क्रीन. एंड दिस इज माई स्किन लुक्स लाइक राइट नाउ. बहुत ड्राई हो गया, बहुत ड्राई फील हो रहा है मुझे. ये एरिया इतना ड्राई फील हो रहा है, मेरी जिंदगी में इतना ड्राई फील नहीं हो रहा. ऑन अ गुड साइड यहाँ पे मेरे व्हाइट हेड्स के बम्स थे वो पूरा क्लीन हो गया है. सेम हेयर. सो अभी वही स्किन निकल, यू कैन सी द स्किन इज ऑलरेडी स्टार्टेड टू पील. ये नोज के एरिया में और वहाँ पे मुझे बहुत इचीनेस फील हो रहा है. कुछ नहीं, अभी मुझे 2-2 घंटे में सनस्क्रीन रीअप्लाई करते रहना है पूरे दिन में. दिस इज द अपडेट फॉर डे 1. तो ये पील मुझे प्रॉपर यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाला है इन लाइक 3 डेज. तो लेट्स सी कैसा पील होता है, कैसा लगता है एंड मेरी स्किन, न्यू स्किन कैसी दिख रही है. एंड मुझे यहाँ पे ना पिम्पल हुआ है तो मुझे ये दर्द कर रहा है. हाय गाइस, सो ऑफिशियली पूरा 1 दिन पूरा हो चुका है. माय स्किन इज ऑलरेडी पीलिंग. तो ये ना मेरे को बहुत ड्राई फील हो रहा है तो मैं 2-2 घंटे में वो सनस्क्रीन वगैरह सब कुछ लगा दो रही हूँ. अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाके सो जाती हूँ. तो मैं आपको कल मिलती हूँ.
बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन. इट्स द नेक्स्ट डे, आई थिंक ये सेकंड डे या थर्ड डे, मुझे पता नहीं. तो दिस इज हाउ माय स्किन लुक्स लाइक राइट नाउ. पूरा स्किन मुझे ना टाइट लग रहा है, मैं हंस भी नहीं पा रही हूँ लिटिल बेस पे. आई कांट डू एनीथिंग. ऐसा दर्द इज बहुत टाइट फील हो रहा है और मुझे उस चीज से इरिटेशन हो रही है. रात को सोते टाइम तो कुछ समझ में ही नहीं आता ये क्या हो रहा है स्किन के साथ. तो मैं जिंदा लाश बन जाती हूँ. नोज एरिया से पहले स्टार्ट हुआ, अभी पूरा ये स्टार्ट हो रहा है एंड आई कैन फील यहाँ पे भी ऐसा. तो आई थिंक ये भी स्टार्ट होगा पील होना. सुबह मैं नॉर्मल पानी से ही मुंह किया ऐसे ऐसा एंड क्रीम लगाया. ओके, आई विल शो यू द क्रीम आई एम यूजिंग. द क्रीम आई एम यूजिंग इज दिस वन, वेन यू सिया मॉइस्चराइजिंग क्रीम. ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रस्ट मी. एंड क्लेंजर आई एम यूजिंग द सेटाफिल क्लेंजिंग. ये मुझे डॉक्टर ने दिया है, ये सनस्क्रीन है 50 SPF. ये पूरा मेरे को बहुत जलन तो हो रही है, तो मैं अभी बाहर भी नहीं जा रही हूँ. कल तुषार का बर्थडे था, वहाँ पे भी नहीं जा पाई मैं बिकॉज बहुत दर्द कर रहा था. एंड प्लस मुझे पीरियड्स भी आ गया, तो वो मुझे सब जगह दर्द ही कर रहा है, मेरा बॉडी पेन बहुत दर्द कर रहा है. आई ट्राइड आज थोड़ा वर्कआउट करने का सुबह में, बट मेरे से नहीं हो पाया बिकॉज पसीना जब यहाँ पे आ रहा था, ओ गॉड, इतना दर्द कर रहा था, लाइक जल रहा था. तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं नहीं कर रही हूँ, 2-3 दिन तो मुझे रेस्ट लेना चाहिए स्किन को. मेकअप देख के ऐसा हो रहा है कि लगाओ नहीं लगाओ, ऐसा हो रहा है. सी यू गाइस इन अ वाइल. एंड मुझे ये बहुत दर्द कर रहा है, ज्यादा बोल भी नहीं सकती. ओके, इट्स द सेम डे. मैंने जस्ट सनस्क्रीन अप्लाई किया. मैं अपने लिप्स को कर्ल ऐसे नहीं कर सकती हूँ. आई कांट डू दैट बिकॉज फीलिंग लाइक शिट. बता नहीं सकती हूँ, काफी हद तक पील हो चुका है. कैन सी यहाँ पे जो मैंने जहाँ पे लगाया ना, वहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट पीलिंग हैज स्टार्टेड. प्लस यहाँ से पूरा निकल चुका है पील. एंड आई कैन सी द स्किन बहुत ही डिफरेंट है. एंड ये बहुत डिफरेंट जो फील हो रहा है, मतलब मैंने सोचा कि चलो आज क्या ही होता है कि वर्कआउट करके देखते हैं चलो. तो मैंने घर पे ही, मैं बाहर तो नहीं जा सकती फॉर लाइक 3-4 डेज एंड डायरेक्ट सन के नीचे तो आ ही नहीं सकती हूँ मैं. तो इसलिए मैं घर पे आई थॉट कि चलो घर पे ट्राई करते हैं वर्कआउट करने का. तो मैं थोड़ा वर्कआउट कर रही थी और मैं ऊपर से आज नॉर्मल वर्कआउट कर रही थी, लाइक कोर कर रही थी एंड एब्स मार रही थी. उसमें पसीना हो रहा था फेस पे और जब वो पसीना यहाँ से यहाँ तक आया, मैंने तुरंत बंद कर दी स्ट्रेचिंग करके. फिर मैं आई वाज लाइक यार वेट मोर 2 डेज एंड फिर मैं बाद में बाहर जाऊंगी बिकॉज मैं ऐसी हालत में बाहर पब्लिकली भी नहीं जा सकती हूँ, मुझे ही ऑकवर्ड लगेगा. एंड प्लस मैं मास्क भी नहीं पहन सकती हूँ. मास्क पहनती हूँ तो वो हीट अप होता है पूरा, एंड वो हीट अप होता है तो इरिटेशन और बढ़ जाती है. आई जस्ट हैव टू यू नो सिट एट होम. कुछ कर नहीं सकती हूँ बिकॉज मैं कुछ शूट भी नहीं कर सकती. आई फील सो ऐसा यूजलेस अभी. पर इट्स ओके, स्किन को चाहिए था ये हीलिंग प्रोसेस. तो या काफी मुझे, मतलब मैंने जस्ट स्टोरी पहले सुबह में डाली थी ना, तो फिर उसके बाद मतलब काफी लोग बोल रहे थे कि इरिटेशन होता है कि क्या होता है. बहुत वो लोग पहले क्लीन अप करते हैं तुम्हारा, क्लीन अप के बाद देन दे अप्लाई द पील एंड वो पील को सूखना पड़ता है फॉर लाइक 20 मिनट्स. 20 मिनट्स लगता है सूखने के लिए. येलो पील होता है वो रखना है आपको, मतलब फॉर लाइक 6-7 आवर्स. फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस वॉश करना पड़ता है, नॉट क्लेंजर एंड एनीथिंग फर्स्ट डे पे. एंड मेरे बिल्डिंग में अभी पता नहीं कंस्ट्रक्शन, पता नहीं क्यों अचानक से चालू हो गया. आई फकिंग हेट इट. मैं दोपहर में सो भी नहीं सकती हूँ बिकॉज ऑफ दैट. आज के दिन नहा भी नहीं सकती हूँ बिकॉज मुझे हेयर वॉश करना है. हेयर वॉश का केमिकल मुंह पे नहीं आना चाहिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन, इज द नेक्स्ट डे. पूरा स्किन यहाँ का ऑलमोस्ट निकल चुका है, अभी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड आई कैन ऑलरेडी सी स्किन का डिफरेंस. आपको दिख रहा है ऐसा? सुपर एक्साइटेड. मैंने अभी तक पानी से ही मुंह धोया बिकॉज मुझे पता नहीं वो क्लेंजर जम नहीं रहा है सिटाफिल का. आई डोंट नो व्हाई इट्स बर्निंग अ लॉट. लेट्स सी थ्रू आउट द डे कैसा होता है. आई विल लेट यू गाइस नो. हे गाइस, सो अपडेट. मैंने जस्ट शावर लिया बिकॉज पता नहीं क्यों. स्किन से मेरा स्किन काफी पील हो रहा है. ये दो जिद्दी दाग जा नहीं रहे. आई डोंट नो बट ये काफी फेड हुआ है. मैंने जस्ट पानी से मुंह धोया है बिकॉज मुझे वो क्लेंजर जम नहीं रहा है और कोई भी क्लेंजर मुझे जम नहीं रहा है पता नहीं क्यों. इट्स टाइम फॉर मॉइस्चराइजर. और मैं खारिश भी वो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे जल रहा है यहाँ पे, ज्यादा मेरे को जलता है. इतना डीमोटिवेटिंग लग रहा है ना अभी ये 2-3 दिन. ठीक है, मैंने आज तक ऐसा यूट्यूब वीडियो भी ऐसा बनाया नहीं है. आई डोंट नो, काफी लोग मुझे जज करने वाले हैं पर आई डोंट केयर. सनस्क्रीन. मैं बाल भी कैसे धोई हूँ मुझे ही पता है. मैं ऐसे टैप इमोशन में ही रहा, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ बिकॉज
बहुत दर्द करता है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं नाक पे लगाई हुई एंड मेरे लिप्स इतने ड्राई हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप ऑयल बिकॉज चाहिए थोड़ा बहुत हाइड्रेशन तो। बट ये प्रोसेस थोड़ा डिप्रेसिंग है, तुम्हें जलता है, तुम इरिटेटेड रहते हो पूरे टाइम। मुझे तो बहुत ही सैडनेस फील हो रही है ये मास्क के बाद। हे गाइस, वी बैक। हम पुणे में है, सेटअप चेंज हो चुका है तो स्किन ऑलमोस्ट पील हो चुकी है। फेस जब मैं धोती हूँ या मैं सो जाती हूँ या वैसे वैसे तो स्किन तब पील ज़्यादा हो जाती है। तो अभी ऑलमोस्ट पूरा निकल गया है पर स्टिल स्किन को हील होने में भी एक दो दिन लगेगा। अभी भी मेरे को स्किन मेरी ऐसे लग रहा है कि जल रहा है, लाइक इरिटेशन हो रही है मुझे काफ़ी। एंड ये पार्ट का स्किन अभी तक प्रॉपर अच्छे तरीके से निकला नहीं है बट आई कैन सी द रिजल्ट्स। काफ़ी इवन टोन हुआ है मेरा स्किन एंड ये बहुत कम हुआ है। मैं कंपेयर कर रही थी पिक्चर्स वगैरह देख के, थोड़ी देर पहले ही उठी तो आई थॉट कि लेट्स शूट। यहाँ पे एक पिंपल पॉप हुआ है, मतलब आ रहा है इन फील इट, बट उन्होंने बोला था कि वो तो ठीक ही है। अदर देन दैट ये बहुत कम हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स थे वो कम हुआ है पर अभी तक स्टिल इट्स ड्राई काफ़ी। यहाँ पे मेरा पूरा फेस बहुत ड्राई रह रहा है तो मुझे बहुत मॉइस्चराइजर वगैरह सब कुछ लगाना पड़ रहा है। कल हम जाने वाले वापस मुंबई तो तब मैं अपना फाइनल थॉट्स वगैरह सब कुछ शेयर करूंगी आप लोग के साथ। हे गाइस, सो मुझे फाइनल रिव्यू देना था रिगार्डिंग केमिकल पील एंड ऑलमोस्ट मुझे 10 डेज हो चुके हैं एंड 10 डेज के बाद मेरी स्किन अभी ऐसी दिख रही है। आई एम सुपर हैप्पी विद द रिजल्ट एंड मैं आज ही डॉक्टर के पास गई थी वापस, डॉक्टर पूजा के पास एंड शी सेड कि ये और हील होगा एंड फॉर माई वाइट हेड्स जो अभी बैठ चुके हैं बट ये कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि मुझे मंथली क्लीन अप करना पड़ेगा तो जाके ये पूरा क्लीन होगा अदरवाइज। एंड मेरा नॉर्मल रूटीन 2 डेज के बाद मुझे चालू करने बोला है, लाइक क्लेंजर, टोनर, सीरम्स, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन जो मैं कर ही रही थी यूज, तो मुझे वो 2 to 3 डेज के बाद यूज करना बोला है। बट एनीवेज द होल प्रोसेस वाज काइंड ऑफ यू नो बोरिंग थोड़ा सा एंड थोड़ा सा डीमोटिवेटेड भी लग रहा था। मुझे मेकअप भी नहीं लगा सकती हूँ, मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, पैसे नहीं कर सकती, बहुत दर्द करता है, I can't do anything, ऐसा ऐसा दर्द है, बहुत टाइट फील हो रहा है और मुझे उस चीज से इरिटेशन हो रही है। मैं अपने लिप्स को कर ऐसे नहीं कर सकती हूँ, I can't do that because feeling like shit। ना डीमोटिवेटिंग लग रहा है ना अभी ये 2-3 दिन, कुछ कर नहीं सकती हूँ बिकॉज मैं कुछ शूट भी नहीं कर सकती। आई फील सो ऐसा यूजलेस अभी। वो थोड़ा सा एकदम ऐसा फेज है कि शिट यार मेरे स्किन को क्या हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था ये वही हो। एंड तक It's all worth it and I'm loving my skin so much and मेरा कितना कम हुआ है, I'm like मैं ऐसी हो गया। तो this was it, my review ultimate यही है कि if you are getting yellow chemical peel then go for it, it's really nice and it will make your skin look very radiant, pigmentation कम हो जाएगा, scars के marks कम हो जाएंगे and it will be worth it। But anyway जो मुझे अभी मॉइस्चराइजर यूज करने बोला है वो ये है क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई हो चुका है एंड मेरा स्किन इज नॉट एट ऑल ऑयली नाउ विच इज गुड। बट उन्होंने बोला है कि ये और हील होगा तो यू माइट गेट योर नॉर्मल टेक्सचर स्किन जो तुम्हारा है कॉम्बिनेशन, जितना लास्ट करता है उतना मैं एंजॉय कर लेती हूँ ड्राई स्किन बिकॉज वो हिसाब से मैं ड्यूई मेकअप वगैरह सब कर सकती हूँ। आज मैंने मेकअप भी किया, मेरा मेकअप का एप्लीकेशन वॉज ऑन, I was very happy with the results and I am very happy with the results. Was so cute bully and मुझे उन्होंने ये sunscreen दिया है जो उनके clinic में ही मिलता है, so a big shout out to Metamorphosis. This was it and मैंने reel भी post किया, reel पे भी सब लोग ऐसे देखे वो तुम्हारी स्किन को कैसे अच्छा हुआ ये वो, मस्त मेरा ब्रेक मिल गया स्किन का, I'm super happy now I can get back on track and work, make videos. So yeah, I hope you guys enjoy this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Okay, see you guys in the next video. Bye, Unicorns.